हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है और इसमें शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु यूडाइस प्लस पोर्टल पर नवीन शैक्षिक ब्लॉक जनपद स्कूल मैनेजमेंट का डेटा संशोधित और फीडिंग किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश का जो महत्वपूर्ण टाइम है, कब से कब तक हमें ये काम करना है, तो 1 सितंबर 2023 से प्रारंभ करते हुए 2 माह के अंदर यानी कि 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शैक्षिक सत्र 23-24 के यूडाइस प्लस डेटा में यदि कोई नवीन शैक्षिक ब्लॉक अथवा जनपद अथवा स्कूल मैनेजमेंट के डेटा को दिनांक 22 सितंबर 2023 तक फीडिंग या संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें जो ये और नोट करने वाली बात है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके जनपद में यदि कोई नवीन शैक्षिक ब्लॉक या जनपद का परिसीमन हुआ है जिसके कारण संचालित विद्यालयों के डेटा में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, तो ऐसे संबंधित नवीन जनपद विकासखंड को यूडाइस प्लस पोर्टल में जोड़े जाने हेतु अत्यावश्यक पत्राजात एवं परिसीमन की कापी गजट आदि की प्रति संलग्न करते हुए विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 21 सितंबर 2023 की अपराह 3 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि संबंधित जनपद और विकासखंड को यूडाइस पोर्टल पर अपडेट या ऐड किया जा सके। तो ये जो आदेश था वो सभी बीएससी महोदय के लिए था। अब देखते हैं जो स्कूल के लिए आदेश है वहाँ पर हमें क्या करना है, हम विद्यालय में क्या करेंगे, क्या इसमें भरना है, क्या संशोधन करना है। तो यहाँ पर शैक्षिक सत्र 23-24 हेतु यूडाइस प्लस पोर्टल पर डेटा फीडिंग किए जाने के संबंध में टाइम वही है, 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक इसे पूर्ण किए जाने के संबंध में आदेश निकाला गया है और इसमें और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो इन्फॉर्मेशन में नंबर एक, इसमें एक और पॉइंट है उससे पहले कि संचालित समस्त शैक्षिक संस्थाएं यूडाइस प्लस पोर्टल पर पंजीकृत हों एवं जिनको यूडाइस कोड आवंटित हो, साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई अग्रिम 15 दिनों के अंदर किए जाने के लिए पूर्ण किए जाने के संबंध में आदेश निकाला है। सबसे पहले कतिपय विद्यालयों के संबंध में यह संज्ञान में आया कि संबंध में विद्यालय प्रोफाइल में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण है, अतः इस संबंध में आवश्यक है कि विद्यालय स्तर से विद्यालय प्रोफाइल में अंकित बिंदुओं को पुष्टि कराते हुए यथावश्यक संशोधन और चिन्हीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। तो पहले पॉइंट का सीधा सीधा मतलब है जो विद्यालय से संबंधित समस्या है, संशोधन है या कुछ अपडेट होना है तो उसको सुधार कर लिया जाए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो स्टूडेंट से संबंधित है, तो इसमें ये साफ किया गया है कि बच्चे से संबंधित जो भी है जन्मतिथि है, उसका नाम है, अभिभावक का नाम है और आधार संख्या है, वो सब DCF में भरी गई है। उसको अत्यंत आवश्यक है कि संकुल शिक्षक उनके पूर्व आवंटित विद्यालयों की सूची के सभी विद्यालयों में संपर्क करते हुए विद्यालयों में सत्र 23-24 में नामांकित छात्र छात्राओं की संबंधित विवरण संकलित करना प्रारंभ कर पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें जो किंडरगार्टन किड्स हैं उनको अध्ययनरत सूचनाएं अंकित, मतलब जो छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी या प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनकी सूचना को इकट्ठा करना और 23-24 में ऐसे विद्यालयों का कवरेज अनिवार्य रूप से किया जाए। तो ये था तीसरा बिंदु। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चौथा है। तो चौथा पॉइंट में महत्वपूर्ण और विशेष है मदरसा विद्यालयों के लिए, जहाँ पर कई एक जो बिंदु थे जो त्रुटिपूर्ण थे उन्हें चिन्हित कर उन्हें सही किया जाए। तो ये था चौथा बिंदु। इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें बिंदु की। तो इसमें क्या करना होगा, सभी विद्यालयों की कैटेगरी का विभागीय सूचनाओं से मिलान कर सभी अंकन जो सही किए जाएँ और उनका जिन विद्यालयों का अच्छीकरण हुआ हो उनकी सूचनाएँ गत वर्ष में त्रुटिपूर्ण थीं उन्हें चिन्हित कर सही किया जाए। इसके बाद छठवां और अंतिम पॉइंट इस आदेश का है कि शैक्षिक सत्र 23-24 में विद्यालयों में के क्रिटिकल इंडिकेटर्स का त्रुटिपूर्ण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही LGD मैपिंग का कार्य भी अद्यावधित किया जाए। तो उपरोक्त जो 6 बिंदु हैं इन पर अक्षर सा पालन किया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए, इस आधार पर ये आदेश को बनाया गया है और 2 महीने के अंदर ये कार्य पूरा करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप अपने शिक्षक साथियों में जरूर शेयर